वो डायलॉग है ना पुष्पा का, झुकेगा नहीं साला, अक्षय कुमार के ऊपर वेल सूटेड है भाई, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी हर्ष गुजराल के साथ जो कॉमेडी स्किट किया खेल खेल में की प्रमोशन के लिए, उसमें क्लियर बोल दिया भाई मैं करूंगा, तुम जो मर्जी बोलते रहो, तो बढ़िया है भाई, बढ़िया है। अब ये तो फैंस के ऊपर है, देखो अक्षय कुमार को फैंस का सपोर्ट तो चाहिए भाई साहब, ये बात तो मानने वाली है। मगर यार एक प्रॉब्लम ये आई कि 2 अक्टूबर को स्काई फोर्स आ रही थी, उसको सीधा पोस्टपोन किया रिपब्लिक डे 2025 में, जहां ऑलरेडी तारा सिंह, अपने ओरिजिनल तारा सिंह, सनी देओल की मूवी जो आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही है, आमिर खान का कैमियो, और वो सनी देओल की गदर 2 के बाद एक बड़ी मेन इवेंट फिल्म है लाहौर 1947, वो ऑलरेडी अब सुनने में आ रहा है कि भाई इनका क्लैश है बॉक्स ऑफिस पे रिपब्लिक डे वाले दिन, मतलब क्लैश ही करे जाओ, डेट्स को पकड़ के क्लैश करे जाओ, पिक्चर की क्वालिटी को देखो या ना देखो क्लैश करे जाओ। देखो भाई अक्षय कुमार का जो कुछ मूवीज हैं जिससे ज्यादा मतलब जो आई थिंक ऑडियंस ज्यादा एक्साइटेड है, उसमें से एक जो भी आ रही थी कि सुनने में कि प्रियदर्शन के साथ एक वो कॉमेडी उनका हॉरर कॉमेडी में अनाउंस करने जा रहे हैं, हेरा फेरी थी कुछ हद तक है। मैं जो हूं मुझे तो ऐसा लगता है अक्षय कुमार को राउडी राठौर टाइप को ढंग के साउथ का डायरेक्टर पकड़ के कोई बढ़िया सा, या कोई भी डायरेक्टर मतलब अच्छी स्क्रिप्ट पकड़ के करनी चाहिए। बाकी ये बीच में वेलकम टू द जंगल, स्काई फोर्स की थीम अच्छी है, वेल सूटेड है फॉर पेट्रियोटिक थीम है थोड़ी, तो वो ठीक है, उस हिसाब से डेट सही सिलेक्ट करिए। बट भाई सनी देओल की क्या गलती है, मतलब बंदा गदर 2 के बाद वो खुद आराम से आ रहा है, मतलब वेट करके नहीं यार कि मैंने एक हिट दी है, और अच्छी बात भी है, हिट के बाद थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद तरीके से प्रॉपर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके अपनी मूवी को लेकर आ रहे हैं सनी देओल साहब। और आई एम श्योर कि लाहौर 1947 को सनी देओल के फैंस के थ्रू बहुत प्यार मिलने वाला है, ये मैंने गदर 2 में देख लिया है भाई। गदर 2 को जितना प्यार मिला है ना ऑडियंस से, और बिल्कुल ऑर्गेनिकली कहां कहां से उठ उठ के ऑडियंस आई है ना देखने। देखो वो कंट्रोवर्सी को साइड कर दो, गदर 2 कैसी थी कैसी नहीं थी, मगर बहुत सनी देओल के फैंस हैं, बहुत प्यार मिला, तो वो देख के आई थिंक पूरी इंडस्ट्री पूछती है भाई सनी देओल मतलब कहां थे। अब अगर सनी देओल लेकर आ रहे हैं मूवी अक्षय कुमार को, तो मतलब हर 4 महीने में 2 महीने में कोई ना कुछ मूवी निकालनी, तो भाई किसी ना किसी का बेड़ा गर्क होगा। पर मुझे लगता है जैसे देखो खेल खेल में बात चल रही थी वो स्त्री 2 के साथ है, यार क्या अक्षय कुमार यार, मतलब स्त्री 2 कहां गई, खेल खेल में डिसेंट वॉच भाई, बढ़िया वॉच थी, नहीं चली ना, इसका मतलब क्या है कि लोगों को अभी आपको नहीं देखना है। तो मतलब मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली, मगर मेरे से पूछोगे कि लाहौर 1947 को ज्यादा फर्क पड़ेगा स्काई फोर्स के आने से, बट अक्षय बीइंग अक्षय, माय नेम इज अक्षय, मेरा नाम है खिलाड़ी कुमार, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, उनका गाना भी था दोस्तों। देखो मैं अक्षय कुमार के लिए ना नेगेटिव नहीं हूं, मुझे सच में आपको लगता होगा बात बोलने से कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूं, बट भाई मैं जो मूवीज अक्षय कुमार को देख रहा हूं ना कि अक्षय कुमार को करनी चाहिए, और मेरी छोड़ो उनके फैंस है ना वो ज्यादा वेट कर रहे होंगे कि एक ऐसी मूवी जहां पे वो भी बेचारे जाके सपोर्ट कर पाए। राउडी राठौर 2 कैन बी वन सच मूवी, एक प्रियदर्शन के साथ हॉरर कॉमेडी में अनाउंस होनी थी मूवी, वो भी एंटिसिपेटेड है। अब ये वेलकम टू द जंगल हेरा फेरी का लोग बना देते हैं इधर उधर का, कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं चलेगा, आप देख लेना। देखो अब क्या होता है, अक्षय कुमार को थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, बिकॉज आप आओगे पिक्चर पेटे, खेल खेल में चली दूसरे हफ्ते थोड़ा 1-1 करोड़ की कलेक्शन हो रही है, लोग कर रहे हैं और पिक कर गई, मैं पढ़ रहा था ट्विटर पे, अबे क्या पिक कर गई भाई, क्या पिक कर गई, 40-45-40 करोड़ भी पहुंच रही है तो क्या हो गया, अपनी मूवी से 10-15 करोड़ पे रुकती है, वहां से 35-40 करोड़ पे उठ के आ रही है, तो ठीक है भाई। अब आई थिंक यहाँ पे नुकसान उनकी मूवी से ज्यादा दूसरी मूवीज को होता है, बट आई स्टिल विश कि अक्षय कुमार के फैंस सपोर्ट करें अक्षय कुमार को, एटलीस्ट करें यार, मतलब सपोर्ट ही नहीं मिल रहा अक्षय कुमार को, वो आ रहे हैं किसी के साथ कॉम्पिटिशन में, बिल्कुल ऐसा आई गई फिल्म हो रही है, और ऊपर से दूसरों का भी थोड़ा बहुत नुकसान ही हो रहा है, ज्यादा नुकसान के हो भी नहीं रहा। बट एनीवेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस क्लैश नाउ एंड मोर ऑन सनी देओल की लाहौर 1947, रुक के आ रहा है बंदा, तो देखने का थोड़ा सा ना एक्साइटमेंट लेवल भी रहता है, देखेंगे भाई सनी देओल को, टेक केयर, बाय बाय।